नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ननकाना साहिब से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन गुरुवार को अटारी भागा सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश कर गया। अंग्रेजों से आज़ादी और बाद पाकिस्तान के रूप में हुए बंटवारे के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब ननकाना साहिब से अमृतसर तक इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा पहुँची। नगर कीर्तन सुबह ननकाना साहिब से रवाना हुआ और दोपहर को भारत पहुंचा। अटारी बॉर्डर में पहुंचने पर नगर कीर्तन का रेड कॉर्पेट बिछा करके पुष्प वर्षा भर भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन की तैयारियों के लिए एसपीसी तथा प्रतिनिधिमंडल 28 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच गया था। 31 जुलाई को नगर कीर्तन के लिए ननकाना साहिब से अखंड पाठ शुरू किए गए, जिनका भोग आज सुबह डाला गया। इसके बाद पांच प्यारों के नेतृत्व में भारत की आज़ादी के 72 साल में पहली बार पाकिस्तान से गुरुद्वारा ननकाना साहिब से पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन नगाड़ों की थाप पर सुबह 10:30 पर शुरू होने के बाद लाहौर से होते हुए बाद दोपहर में 3:25 पर बाघा अटारी सरहद पार कर भारत पहुंचा। इनके स्वागत जहां हज़ारों की संख्या में संगत मौजूद थी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर ओपी सोनी, पर्यटन मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सीएच प्रधान सुखबीर सिंह बादल समेत कई नेताओं ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह रही कि पाकिस्तान से कोई भी सिख श्रद्धालु इस नगर कीर्तन के साथ नहीं आया, लेकिन वे सीमा तक जरूर पहुँचे। वहीं भारत से गए हुए 508 श्रद्धालु जत्थे के साथ लौटे। गुरुवार रात श्री हरमिंदर साहिब की सरायों में जत्थे के श्रद्धालु रुकेंगे। यह भारत में प्रवेश कर चुका नगर कीर्तन शुक्रवार को सुबह नगर कीर्तन डेरा बाबा नानक के लिए रवाना हुआ। इसके बाद यह नगर कीर्तन 100 दिन की पूरी यात्रा करता हुआ सभी तख्तों के दर्शनों के बाद सुल्तानपुर लोधी में सम्पन्न होगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान गए SGPC के अधिकारी व पदाधिकारी बिना किसी सुरक्षा के घूम रहे थे। इन अधिकारियों को भारत में सरकार की ओर से सुरक्षा कर्मी दिए हैं, साथ ही उन्होंने निजी सुरक्षा कर्मी भी रखे हैं। अटारी सीमा से ननकाना साहिब तक 150 किलोमीटर के करीब रास्ता भी बिना किसी सुरक्षा के तय करके गए। बताया जा रहा कि अटारी में हज़ारों की संख्या में लोग पालकी साहिब का स्वागत में खड़े थे। यहाँ पर SGPC की वैन खड़ी थी। इसमें पुरातन शस्त्रों के अलावा पहली बार गुरु नानक देव जी के खड़ाऊ संगत के दर्शन के लिए नगर कीर्तन में रखी गई। वहीं आपको बता दें कि कमेटी की तरफ से औकाफ बोर्ड के सचिव तरीक वजीर खां, इमरान गोंदल, पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सतवंत सिंह, इन सभी को सोने के सिक्के विशेष रूप से सम्मानित किया गया। Oh, God, you have got to start it.